हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हमारे साथ है ओमकार शिंदे फ्रॉम मुंबई। इज आर क्लासरूम स्टूडेंट, ये हमारे क्लासरूम स्टूडेंट थे फॉर 3 ईयर MSCET लॉ 2024। एंड सो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपको ओमकार फॉर द ऑसम स्कोर, दैट इज 98.01। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कैसा लग रहा है आपको? सर 98.16 था। हाँ सर। 98.16। ओके ओके ग्रेट। तो कैसा रहा आपको ये स्कोर लाने के बाद? सर अच्छा लग रहा है काफी। और घर वालों को कैसा लगा ये स्कोर? घर वाले भी खुश है थोड़े। ओके सो आपने पहले प्रिपेयर किया था, जब आप काफी दिन से प्रिपेयर कर रहे थे हमारे घाटकोपर के सेंटर में, सो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके का आपको स्कोर आएगा? नहीं सर, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। मॉक टेस्ट काफी डिफिकल्ट गए थे मेरे। तो इतना इतना मतलब ऊपर तक स्कोर जाएगा ये नहीं सोचा था, लेकिन मॉक टेस्ट में जो गलतियां की थी, आई आई ट्राई टू इम्प्रूव देम थोड़े फाइनल डेज में। ओके ग्रेट। सो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, तो आप अपनी क्या स्ट्रैटेजी थी, आप उन तक अगर शेयर करेंगे इट विल बी ग्रेट। आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे बी एडुकेयर ने आपको हेल्प किया, वो सारी चीजें। सर मतलब मैं चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज जाऊँ या फिर माय डेली रूटीन वैसे? जैसे भी आप दोनों चीजें एक्सप्लेन करना चाहोगे दैट्स गुड टू गो। सर अपना डेली रूटीन बोलूंगा तो पहले तो दिन की शुरुआत वर्कआउट से करता था, क्योंकि दैट थिंग कीप्स मी एक्टिव ऑल द डे। तो फिर उसके बाद आई वुड गो फॉर करंट अफेयर्स, जो मैं बी एडुकेयर से भी काफी नोट्स पढ़े थे और बाहर के सोर्सेस से भी। आई यूज टू स्टडी, उसके बाद आई यूज टू डू इंग्लिश वोकेबुलरी, क्योंकि सुबह के टाइम पे इफ यू स्टडी दैट तो आपको वर्ड्स का जो आप रिमेम्बर करते हो ज्यादा टाइम के लिए होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द डे आई यूज टू डू जीके जीएस, और रात के टाइम पे लॉजिकल रीजनिंग के सम्स वगैरह प्रैक्टिस करता था, और वीक डेज पे लीगल रीजनिंग आई यूज टू डू इट। ओके ग्रेट। तो आप कह रहे हो आप डेली ही हर रोज आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। सो पेपर कैसा था, हाँ आपने सर, जो कंटेंट पढ़ा था क्लासरूम में, आपने जो मटेरियल देखा था, जो मॉक टेस्ट देखा था, तो जब आप पेपर एग्जाम हॉल में बैठे थे तो आपको कैसा लग रहा था? क्या वो सिमिलर टाइप थे, इजी लग रहे थे, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे थे उस दिन? मॉक टेस्ट के हिसाब से तो कंपैरेटिवली क्वेश्चंस इजी थे। काफी क्वेश्चंस मतलब जो हम लोग टेस्ट बुक से एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं थे, वहां पे बाहर से आए थे, बट दे वर डूएबल। मतलब वो पैटर्न दिख रहा था मैं करके कि ये ऐसा मॉक टेस्ट में किया है तो हो सकता है करके। उसके वजह से सर कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो जाता है कि अच्छा ठीक है, ये मैंने कर लिया है, तो फिर अगला क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होती है। तो आप बोल रहे हो कि सेम क्वेश्चन तो नहीं थे बट सिमिलर क्वेश्चन थे, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे आपको वहां पे। हाँ सर, ओके दैट्स ग्रेट। और आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग लॉ करना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? सर आई डोंट फाइंड माई सेल्फ फिट टू टेल देम कि लॉ में फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि अब तक मेरा ही स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, एमएससीईटी लेकिन ये लॉ जो के सीटी एंड रिगार्डिंग। हाँ कॉम्पिटेटिव, यस हाँ हाँ सर, सीटी लॉ एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में, राइट तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि दे ज्वाइन क्लासेस, अभी बी एडुकेयर हो गया या फिर कोई भी दूसरा हो गया, तो दे एक्सपेक्ट क्लासेस टू टेक देम टू दैट लेवल, मतलब एकदम परफेक्शन पे। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि आपने क्लासेस ज्वाइन किए, उनका काम है आपको जीरो से लेके एक लेवल अप रख देना। उसके बाद जो होता है वो आपकी इंडिविजुअल, आपका जो हार्डवर्क होता है और आप जितना टाइम देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई हैव सीन की नॉट जस्ट सीटी बट अदर एग्जाम्स टू, आई हैव सीन की क्वेश्चंस ना टेक्स्ट बुक में से हमेशा नहीं आते। जो आप टेक्स्ट बुक में जो आप पढ़ते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं। तो फिर क्लास आपको जितना सिखाएगा उससे ज्यादा आपको आपके एफर्ट्स वहां से ऊपर आपके एफर्ट्स काउंट करेंगे। आपको भी घर पे जाके पढ़ाई करनी होगी, आपको भी दो तीन बुक्स एक्स्ट्रा देखनी होगी। ट्रू या राइटली सेड।
क्या होता है एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके, हमारे पास एक रेफरेंस मटेरियल होता है, हम उसको रेफर करते हैं, काफी सारे और भी क्वेश्चंस हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, बट यस, एग्जाम में सेम क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते, वी ऑल नो, बट हाँ, सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है. फाइन, सो अभी 98.16 आपका स्कोर है. जीएलसी कॉलेज, आप कौन सा कॉलेज, एम कौन सा कर रहे हो? सर EWS सर्टिफिकेट है मेरे पास, ओके. तो आई विल फर्स्ट गो फॉर GLC, वहां पे नहीं हुआ तो KC. सी, EWS है तो पक्का, जहां तक हमें लग रहा है आपका जीएलसी कंफर्म्ड है. ओके, डू नॉट वरी. एंड यस, केसी भी अच्छा कॉलेज है, बट जहां तक हमें लग रहा है जीएलसी के लिए आप एकदम फिट कैंडिडेट हो, और डेफिनेटली जीएलसी चाहेगा आपको उनके कैंपस में. ठीक है, सो काफी अच्छा लगा थैंक यू सर. जो आपने स्टूडेंट के हाँ साथ चीजें शेयर की, काफी इंसाइट्स आपने शेयर किया. एंड और भी कोई चीज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसको ऐड कर सकते हो. सर, एक स्टडी प्लान शेयर करना चाहूंगा यस. जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के पास नहीं होता. मैंने किया था, आई डोंट नो इफ दैट विल हेल्प देम और नॉट, लेकिन एज अ फ्रेंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट. प्लीज. जैसे मैंने बोला कि टॉपिक वाइज मैंने कुछ प्रिपरेशंस किए थे पर्टिकुलर टॉपिक से लेके, तो मैंने मेरे अभी के बैचमेट्स में देखा कि समवेयर दे लैक देयर, तो फिर आई वुड गो टॉपिक वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आपको डेली करने हैं, जो स्टूडेंट नहीं करते. मतलब यू शुड नो आज क्या हुआ और कल क्या हुआ, और उसका रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है. यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसा करते कि बल्क में करने जाते कि 1 महीने का एक साथ देख लिया, 6 महीने का एक साथ देख लिया, तो आप देख लेते हो लेकिन आपका उसमें रिवीजन नहीं होता, और फिर वो इंफॉर्मेशन होती है वो रिटेन नहीं हो जाती. सही बात है. अभी लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने किया था, तो आई प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 200 सम्स फॉर ईच चैप्टर, फ्रॉम ईच चैप्टर. अभी उतना जरूरत है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर एग्जाम के वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मुझे आता था लेकिन अब भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो सम्स की प्रैक्टिस होनी जरूरी है. फाइन. सो एज और यू, हाँ जी. GKGS में जहां तक बोलूं कि वो आप जितना करोगे उतना वास्ट होते जाएगा, तो आपका जो एग्जाम है उसके हिसाब से यू शुड लीव दैट ऑन. मतलब अभी मैं भी बी एडुकेयर का हूँ, तो आई विल से यू मस्ट लीव दैट ऑन बी एडुकेयर, क्योंकि कोटक मैम ने काफी अच्छे से कवर किया था GKGS का सिलेबस, और उसके बाहर से उतना कुछ आया नहीं था इन डेप्थ में, तो यू कैन लीव इट ऑन बी एडुकेयर. ग्रेट. सो एज यू राइटली सेड, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर जीके काफी वास्ट होता है, जितना हम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है. एंड यस, एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना. तो हमने वीकली करंट अफेयर्स के टेस्ट करते थे, काफी सारे PDF मटेरियल हमने शेयर किए. अपार्ट फ्रॉम हाँ दिस, सर, वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोज हम अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो हम भी जितना हो सकता है, यस और क्लासरूम में भी कवर करते हैं तो उतना कोशिश करते हैं. एंड यस, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है. एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो यू फील कॉन्फिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाता है कि आपको लगेगा अरे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं. ठीक है, तो वो एक जो एग्जाम होता है आपका, वो एक ही दिन का होता है, पर पूरे वो एक साल की मेहनत मांगता है, या एटलीस्ट 8-9 महीने की प्रॉपर मेहनत आपको चाहिए रहती है. और राइटली सेट बाय ओमकार, करंट अफेयर्स जो होता है अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो चीजें आपके लिए आसान होगी, और अगर आप सोचो कि मैं सब यस कुछ लास्ट मोमेंट पे कर लूं तो वो चीजें वैसे होने वाली नहीं है. काफी सारे स्टूडेंट उसमें लैग करते हैं. यस, हाँ जी, हम तो बोलते ही रह जाते हैं कि आपको रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, पर एंड ऑफ द डे इट इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि वो रोज पढ़ें उस चीजों को. फाइन, सो काफी अच्छा लगा ओमकार आपसे बात करके, एंड आई बिलीव काफी सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे एंड दे विल फील वेरी पॉजिटिव. ओके, कि आप अच्छा स्कोर लाएं, और वो भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो ड्रीम कॉलेज है वहां तक वो पहुंच पाएं. फाइन, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच ओमकार फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू.